पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत दुर्गापुर डैम में जल संसाधन विभाग सूर्योदय जलाशय योजना के जीर्णोद्वार एवं लाइनिंग की थी। कार्य 15 मई 2017 में हुई थी। ठेकेदार एवं कार्यकारी अभियंता के मनमाने रवैये के कारण कार्य को अधूरे में छोड़ दिया। सभी पलायन कर चुके हैं। अगर यदि कार्य सही ढंग से होता तो महेशपुर प्रखंड एवं पाकुड़िया प्रखंड के दर्जनों गांव में हरित क्रांति छा जाती। लेकिन डीएम के मुख्य द्वार पर ही मिट्टी पत्थर मलबे से डैम का पानी जाने की जगह बंद हो चुकी है एवं करनैल में भी सही ढंग से काम न करने के कारण मिट्टी पत्थर भर चुका है एवं कई गांव के कनेल का नामो निशान खत्म होने को है। साथ ही देवीनगर मदर्स एकेडमी स्कूल के निकट उत्क्रमित विद्यालय देवीनगर के निकट जहां पुलिया बनाने का एस्टीमेट है वहां लगभग एक साल से बिजली के खंभे देकर काम को पार किया गया है। अगर यदि पुलिया के कार्य में इसी तरह लापरवाही बरती जाए तो कभी भी कोई भी बच्चा बिजली के खंभे के ऊपर से पार होने में पैर फिसलता है तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। खबर 365 न्यूज के लिए पाकुड़िया से विशाल कुमार भगत की रिपोर्ट। खर्च कर चुकी है इस कनेल निर्माण के दौरान, किंतु अभी तक तो किसानों को कोई लाभ नहीं मिली है। आप हमारे पीछे कनेल देख सकते हैं, पूरी सूखी हुई है। ठीक है, 2 साल से लगभग काम चल रही है किंतु अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। अभी तो मौजूदा हाल में कोई भी किसान को इसका लाभ पहुंचता नहीं दिख रहा है। ये देवीनगर पंचायत अंतर्गत लगभग सभी गांव को जल स्रोत पहुंचाने का ये बनाया गया था। प्रत्येक गांव में सिंचाई उपयोग के लिए ये कनल का निर्माण किया गया था, परंतु यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जो हैं, जेई हैं, विभाग के पदाधिकारी हैं और ठेकेदार के मनमाने रवैये के कारण ये जो निर्माण कार्य हो रहा था ये सफल नहीं हो पाया अभी तक।